मैं दर्द लिख के सुनाती हूँ, लोग शायरी समझे तो मेरी गलती नहीं। मैं हंस के दिल के जख्मों को भरती हूँ, लोग पागल समझे तो मेरी गलती नहीं। मैं उलझने सुलझा के खुद उलझ जाती हूँ, लोग हमदर्द समझे तो मेरी गलती नहीं। मैं दर्द लिख के सुनाती हूँ, लोग शायरी समझे तो मेरी गलती नहीं। So my name is Foram Patel. Here I go for the my poetry. कि वो वादा ही नहीं करते इस दर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे, हम बस उनकी तस्वीर देखकर ही खुद को मना लेते हैं कि वो वादा ही नहीं करते इस दर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। हम वो पुरानी गलियों से गुजर कर बीते लम्हों में जी लेते हैं कि वो वादा ही नहीं करते इस दर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। देन माई नेक्स्ट लाइन इज स्पेशली फॉर द ए फोर्स वन। हम बस हवाओं से मांग लेते हैं दुआ उनकी सलामती की कि वो वादा ही नहीं करते इस दर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। सॉरी। हम आज भी मोबाइल तकिए तले रख के सोते हैं उनके मैसेज का जवाब देने को कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। हम आज भी वहाँ जाके इंतज़ार कर लेते हैं उनके आने का कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। हम आज भी कुछ बातें कहते कहते ही रुक से जाते हैं उनकी तस्वीर देखकर कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। सोल्जर ऑलवेज लव टू गिव देयर वाइफ अ रोज, सो हियर फॉर द लाइंस फॉर दोस थिंग्स। हम आज भी वो बेजान गुलाब को अपनी जुल्फों में सजा लेते हैं कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। देन जब वो लास्ट क्लोथ्स होता है ना जो उन्होंने घर पे पहना होता है, वो बीवी उसे धोती नहीं है, वो उसे रख लेती है क्योंकि उसमें उसके जिस्म की खुशबू होती है। सो हम आज भी वो लिबास को गले लगा के उनको महसूस कर लेते हैं कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आते। हम हर आहट पे उनके आने की राह सजा लेते हैं कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। फिर आखिरी कुछ लाइंस। हम आज भी उसे पाने के हौसले से ज़्यादा उसके लौट कर आने की दुआ करते हैं कि वो वादा ही नहीं करते इस डर से कि वो लौट कर नहीं आएंगे। आर्मी मैन्स गर्ल, तालियां। ओके, अब एक आखिरी शायरी के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। ये मैंने ईद पे लिखी थी, लास्ट ईद पे। मनाई जा रही थी ईद आज मोहल्ले के हर घर में, मनाई जा रही थी ईद आज मोहल्ले के हर घर में, और हमारा चांद कहीं फिजाओं के साथ बातों में। जब आए लोग देने दी अमन संघर, जब आए लोग देने दी अमन संघर, बस नमी थी वो एक फौजन की आंखों में। डन, थैंक यू।